नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज है 8 अगस्त दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। साइबर अपराधियों पर शिकंजा, आर्थिक अपराध इकाई बनाएगी ईडीजीएल। अगली गर्मी तक हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा। आज बिहार के इन जिलों में भारी बारिश की है संभावना। बिहार से राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। नीतीश सरकार ने कराई है ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना। इन लोगों का नहीं बनेगा राशन कार्ड। अब खबरें विस्तार से। रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर निकाली भर्ती। रेलवे द्वारा विभिन्न ट्रेंड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 3,317 पदों पर आई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट nitplrrc.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन की अंतिम तारीख है 4 सितंबर। उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है, साथ ही संबंधित फील्ड में ITI पास किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। साइबर अपराधियों पर शिकंजा, आर्थिक अपराध इकाई बनाएगी ईडीजीएल। हाल ही में बिहार पुलिस ने पटना, नवादा, गया, नालंदा, जमुई और शेखपुरा जिलों में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाया, जिसमें 58 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस छापेमारी के पीछे एक बड़ी वजह है कि बिहार में साइबर अपराध में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए और साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आर्थिक अपराध इकाई अब बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। बता दें कि ईडीजीएल बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें गिरफ्तार होने वाले साइबर अपराधियों का डाटाबेस बनाया जाएगा। उनका नाम, पता, आधार नंबर, अंगुलियों के निशान, फोटो लेकर बनाया जाएगा। इसका मकसद है कि दोबारा पकड़े जाने पर उसका आपराधिक इतिहास मिल जाए। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बांका जिला के बारे में। यदि आप बांका में घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें असौता में किला, डुमरामा में गांव में सतूपो के अवशेष, पाप हरनी तालाब के बीचों बीच महाविष्णु और महालक्ष्मी के मंदिर, लखदीपा मंदिर आदि शामिल है। असौता के किला को लेकर कहा जाता है कि महारानी चंद्र ज्योति ने खड़गपुर छोड़ने के बाद इस गांव को बसाया था। उन्होंने ही यहां पर एक किला और कुंड का निर्माण करवाया। यदि आप घूमने का शौक रखते हैं तो इस जिले में आपको ऐतिहासिक से लेकर धार्मिक स्थल भी घूमने के लिए मिल जाएंगे। अगर आसमान में दिखे बादल तो हो जाए सावधान। जब आसमान में घने बादल हो, वर्षा एवं वज्रपात की संभावना हो तो सचेत रहें। बिहार के कई इलाकों में मौसम के मिजाज में बदलाव आ रहा है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और वर्षा तथा वज्रपात की संभावना बन रही है। ऐसे में आप सभी से अपील है कि सुरक्षा को प्राथमिकता दें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो ध्यान रखें कि छाता या रेनकोट साथ में जरूर रखें। तेज हवा और बिजली कड़कने की स्थिति में खुले स्थानों से दूर रहें। बिजली से सुरक्षा के लिए बिजली के उपकरणों का उपयोग कम से कम करें और धातु की चीज़ों से दूर रहें। इसके अलावा आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां वज्रपात होने की आशंका है तो सुरक्षित स्थान पर रहने का प्रयास करें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक यात्रा से बचें। ये जानकारी IPRD के जरिए दी गई है। किसानों की टेंशन को दूर करेगी नीतीश सरकार। जंगली जानवर से कई किसान परेशान होते हैं तो अब उनकी परेशानियों को बिहार सरकार ने कम कर दिया है और इसके लिए जंगली सुअरों और नीलगायों को निपटाने का प्लान बनाया है। घोड़परास और जंगली सुअरों से सबसे अधिक प्रभावित जिले वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गया और बक्सर हैं। राज्य में फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले घोड़परास और जंगली सुअरों को मारने का खर्च अब कृषि विभाग उठाएगा। कृषि और वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अगली गर्मी तक हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा। बिहार में नल जल योजना का पूरा काम अब PHED के हवाले कर दिया गया है। PHED मंत्री नीरज कुमार बबलू ने इसकी जानकारी दी।
और दावा किया कि अगली गर्मी तक बिहार के सभी घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नल जल योजना की गड़बड़ी की शिकायतों को दूर करने के लिए पीएचईडी लगातार काम कर रहा है। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि सीएम का सपना है कि बिहार के लोगों के घर में नल जल की आपूर्ति हो और इसी को लेकर लगातार काम किया जा रहा है और कई ऐसी जगहों से शिकायतें भी आई हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही है। नीरज कुमार बबलू ने बताया कि अब किसी भी माध्यम से काम नहीं होगा, विभाग अपने माध्यम से काम करेगा। पहले मुखिया के माध्यम से काम हुआ करता था। हाँ, कामों के मॉनिटरिंग वार्ड सदस्य ही करेंगे, देखरेख का सिस्टम वही रहेगा, लेकिन काम विभाग ही कराएगा। बिहार से राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 14 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी और 21 अगस्त तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। वही 27 अगस्त को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। अगर मतदान की स्थिति बनती है तो 3 सितंबर को वोटिंग होगी, उसी दिन रिजल्ट भी घोषित की जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मीसा भारती का कार्यकाल 7 जुलाई 2028 तक था, वही विवेक ठाकुर का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक था। उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों का कार्यकाल जो है उतना ही रहेगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किए जाएंगे 6 शिक्षक। पटना में इस बार शिक्षक दिवस के अवसर पर 6 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि इन शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगे। इसको लेकर राज्य स्तरीय चयन समिति ने सभी जिलों से आए नामों में से 6 शिक्षकों का चयन कर लिया है। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में इन नामों की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज दी गई है। अब केंद्र सरकार इन चयनित शिक्षकों का ऑनलाइन इंटरव्यू लेगी और इसके बाद इनमें से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा और इन शिक्षकों को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं किन लोगों का राशन कार्ड नहीं बनाया जाता। राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ जरूरी पात्रताएं पूरी करनी होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास 100 वर्ग मीटर से ज़्यादा की ज़मीन जिसमें प्लॉट, फ्लैट और घर है तो ऐसे व्यक्ति राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। अगर किसी के पास 4 पहिया वाहन है जिसमें कार और ट्रैक्टर शामिल है, वे भी राशन कार्ड नहीं बनवा सकते। ऐसे लोग जिनके घर में फ्रिज लगा हुआ है या उनके घर में एसी लगा हुआ है तो ऐसे लोग भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही किसी भी परिवार में अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा होता है तो वे भी राशन कार्ड नहीं बनवा सकता। राशन कार्ड बनवाने के लिए गांव में परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए तो वहीं शहरों में ये 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार अब इस तरह के लोगों को चिन्हित कर रही है जिन्होंने दस्तावेजों में गड़बड़ी करके राशन कार्ड बनवा लिए हैं, लेकिन वे राशन कार्ड बनवाने के लिए अपात्र हैं। अगर आपने भी राशन कार्ड बनवा लिया है तो बेहतर है कि सरेंडर कर दें। नीतीश सरकार लेकर आई है ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत सभी 9 परमंडलीय मुख्यालय वाले शहरों में ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना विकसित करेगी। इसके तहत शहर के आसपास जमीन का बड़ा टुकड़ा चिन्हित कर और वहां बेहतर सड़क, पार्क, अस्पताल जैसी सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए सितंबर माह से भू अर्जन का काम शुरू होने की संभावना है। सरकार का मानना है कि बुनियादी सुविधाओं के विकास से जमीन की कीमतें बढ़ेंगी, बाद में सरकार अपनी जमीन नीलाम करके खर्च की भरपाई कर लेगी। शुरुआत में पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में 1-2 प्रोजेक्ट शुरू होंगे, उसके बाद में अन्य शहरों में भी इस योजना का विस्तार किया जाएगा। योजना को लेकर इसी माह अगस्त में जल्द ही अधिकारियों की एक और बैठक होने वाली है। इसमें ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए स्थल चयन पर अंतिम रूप से मुहर लग जाएगी। इस फीचर को ऑन करते ही व्हाट्सएप चैट से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे मैसेज।
हम सभी अपने दोस्तों या परिवार वालों से बात करने के लिए अक्सर व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को उनकी सुविधा के लिए कई तरह का फीचर भी देता है। आज हम आपको व्हाट्सएप के एक ऐसे फीचर के बारे में बताएंगे जिससे मैसेज अपने आप ही गायब हो जाएंगे। आप जिसे मैसेज भेज रहे हैं उसके भी अकाउंट से, आपके भी अकाउंट से खुद ही जो मैसेज हैं डिलीट हो जाएंगे। इसके लिए आप व्हाट्सएप पर डिसअपीयरिंग की फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चैट में सेटिंग में जाकर आप डिसअपीयरिंग के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। इसके क्लिक करते ही आपको 24 घंटे, 7 दिन, 90 दिन और ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। आप इसमें अपने हिसाब से लिमिटेशन सेट कर ले। जब जो समय सेट करेंगे वे समय पूरा होते ही मैसेज आपके चैट से और जिसे आपने भेजा है उसके चैट से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। शिक्षकों से तंग आकर ACS ने लगाया नोटिस। ट्रांसफर को लेकर बड़ी संख्या में पहुंच रहे शिक्षकों से तंग आकर शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ ने अपने चैम्बर के बाहर नोटिस लगा लिया है और नोटिस के सहारे शिक्षकों को ट्रांसफर पॉलिसी बनाए जाने की जानकारी दे रहे हैं। नोटिस में लिखा है कि अनेक शिक्षक कर्मी स्थानांतरण के लिए आवेदन लेकर शिक्षा विभाग में आते हैं, लेकिन शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नियमावली का संशोधन प्रक्रियाधीन है। संशोधित नियमावली अधिसूचित होने के बाद ही ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। इसकी सूचना भविष्य में दी जाएगी। इसी वजह से खुद आकर आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। विकास भवन में इस नोटिस की काफ़ी चर्चा हो रही है। BCCI को लीज पर सौंपा जाएगा पटना का मोइनुल हक स्टेडियम। BCCI को लीज पर अब पटना का मोइनुल हक स्टेडियम सौंपा जाएगा। सदर अंचल के CEO ने नापी पूरी कराकर स्टेडियम प्रबंधक को रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं अगले माह से खेल विभाग की तरफ से BCCI को स्टेडियम सौंपने के लिए MOU साइन किया जाएगा। इस स्टेडियम की कुल जमीन 26 एकड़ 80 डिसिमल है। इसमें 25,000 दर्शकों को बैठने की क्षमता है। इस स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय मैच के साथ कई रणजी मैच का आयोजन हुआ है। बिहार की सभी सड़कों पर वाहनों की गति होगी निर्धारित। क्या आप भी तेज गति से सड़कों पर वाहन दौड़ाते हैं तो आपकी रफ्तार पर अब जल्द ब्रेक लगने वाला है। दरअसल अब प्रदेश से गुजरने वाले नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के साथ ही सभी सड़कों पर जो भी वाहन गुजरेंगे उनकी गति सीमा निर्धारित होगी। बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वाहनों की गति सीमा तय करने के संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि वाहनों की तेज गति के कारण सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिसमें कमी लाने के लिए सरकार ने सभी श्रेणी की सड़कों पर वाहनों की गति सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि विभाग नेशनल हाईवे के साथ ही स्टेट हाईवे और अन्य श्रेणी के सड़कों का आकलन कर वाहनों की गति सीमा तय करेगा। किसानों को डीजल अनुदान मिलने में हो रही है देरी। बिहार में बारिश के मार झेल रहे किसानों को डीजल अनुदान मिलने में देरी हो रही है। बता दें कि 150 करोड़ रुपए में से 10 दिनों में मात्र 12 लाख रुपए डीजल अनुदान बांटे गए हैं। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बीते 26 जुलाई से अनुदान राशि बांटी जा रही है। अब तक 10 से 12 लाख रुपए की राशि बांटी गई है। किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अब तक 32,000 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। बता दें कि बिहार में कम हुई बारिश के बीच अब तक 29,68,634 हेक्टर धान का आच्छादन हो पाया है। धान की रोपनी कुल लक्ष्य 36 लाख हेक्टर के मुकाबले 80% हो सकी है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी दी है कि अगले एक सप्ताह में 90% तक रोपनी हो जाएगी। आज बिहार के इन जिलों में भारी बारिश की संभावना। बिहार में बारिश को लेकर लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वज्रपात या ठनका गिरने की स्थिति में घर से बाहर निकलने से बचें। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं किशनगंज, पूर्वी चंपारण, कटिहार में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री के बीच रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। बिहार पुलिस के हत्थे चढ़े 7 साइबर अपराधी। बिहार के नवादा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने साइबर अपराधियों के ठिकाने पर छापेमारी की है और उनके ठिकाने से 14 मोबाइल, 43 पेज का कस्टमर डाटा, प्रिंटर और बैंक के पासबुक और लैपटॉप जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी अपराधी फ्लिपकार्ट कंपनी के नाम से लोगों के ऑर्डर किए गए सामानों की डिलीवरी कन्फर्म करते थे और फर्जी सिम के माध्यम से लोगों को कॉल कर ओटीपी मांगते थे और ठगी की घटना को अंजाम दिया करते थे, जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। अब मक्खियां आपको नहीं करेंगी परेशान, अपनाएं 5 तरीके। अगर आप भी मक्खियों से परेशान हैं तो चिंता नहीं करें, ये 5 आसान उपाय आपको दिलाएंगी इनसे छुटकारा। आप साफ सफाई का ध्यान रखें, कूड़ेदान को ढक कर रखें और उसे नियमित खाली करें। खाना पकाने के बाद गैस चूल्हे को साफ करें। मक्खियाँ अक्सर दीवारों पर बैठती हैं तो इसलिए आप अपने दीवारों को साफ कर लें। फलों और सब्जियों को ढक कर रखें। इसके अलावा आप प्राकृतिक तरीके से मक्खियों से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे लौंग, लहसुन, पुदीना को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर घर के कोने में रख सकते हैं। इसके अलावा आप नींबू के टुकड़ों में लौंग की कलियां गाड़ कर रखें, इसके खुशबू से मक्खियां जो हैं दूर भाग जाएंगी। इसके अलावा बेसिल के पौधों को घर के अंदर या बाहर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप एक कटोरी में सिरका भरकर घर के कोने में रख सकते हैं। इसके साथ आप मक्खी मारने वाले उपकरणों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दरभंगा में खुला बिहार का दूसरा सबसे बड़ा आईटी पार्क। बिहार के दरभंगा जिले से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरभंगा के रामनगर में हाल ही में विश्व स्तरीय आईटी पार्क का निर्माण पूरा हो गया है। इसे बिहार का दूसरा सबसे बड़ा आईटी पार्क माना जा रहा है और इसका नाम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया रखा गया है। करीब 9.28 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अत्याधुनिक आईटी पार्क में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बेंगलुरु के आईटी पार्क के समान लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहां पर मिथिला स्टैक और अविकियर जैसे कंपनियों ने अपने कार्यालय खोल लिए हैं, जबकि विदेशी कंपनियों के आवेदन भी विचाराधीन है। यह आईटी पार्क खासतौर पर उत्तर बिहार के युवाओं के लिए एक शानदार अवसर लेकर आया है। सांसद ने लोकसभा में उठाया नीलगाय का मुद्दा। रात की अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, इससे नीलगायों को कोई परहेज नहीं होता है। खेत में झुंड के झुंड पहुंचकर खेत में लगी फसल को भारी नुकसान नीलगाय जो है पहुंचा देती है। वही इस मुद्दे को अब भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने सदन में उठाया है। सांसद ने कहा कि घोड़परास या नीलगायों से फसलों को उगाने पर बुरा असर हो रहा है। गंगा और गंडक बेसिन वाले कई जिलों में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। कटाई के लिए तैयार उपज वाले भूमि के बड़े हिस्सों को नीलगाय के झुंड नष्ट कर देती हैं। किसानों के लिए तैयार फसल को बचाने के लिए रात भर बाहर बैठना पड़ता है। इस चिंताजनक स्थिति का ठोस समाधान किया जाना चाहिए। क्या आपके भी क्षेत्र में नीलगाय फसलों को बर्बाद कर देती हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। रुपेश हत्याकांड पर तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला। बिहार में बढ़ते अपराध की स्थिति पर तेजस्वी यादव ने गंभीर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन का भय अपराधियों के दिलों से समाप्त हो गया है। तेजस्वी यादव ने खासकर रुपेश हत्याकांड का हवाला देते हुए सवाल किया कि अगर आरोपी बरी हो सकते हैं तो सच्चाई क्या है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पुलिस सबूत संजोने और जांच करने में पूरी तरह सफल साबित हो रही है। अपराधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने नीतीश कुमार के राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताई है और कहा कि नीतीश जी के राज्य में अपराधियों को पूरा संरक्षण मिलता है। नीतीश जी का इकबाल खत्म हो चुका है। बिहार में जिस तरह से अपराधी घटनाएं बढ़ रही हैं उसके बावजूद सरकार चुप्पी साधे हुई है। ये बात साबित करता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका से 27 साल बाद वनडे सीरीज हार चुकी है। श्रीलंका ने आखिरी और निर्णायक वनडे में भारत को 110 रन के अंतर से रौंदते हुए 3 मैच की सीरीज में 2-0 से कब्जा जमा लिया।
आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मैच में श्रीलंका ने 8 विकेट पर 248 रन बनाए। वही जवाब में भारतीय टीम 26.1 ओवर में 138 रनों पर ही सिमट गई। भारत की इस हार के साथ ही श्रीलंका ने वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया है। यह जीत श्रीलंका के लिए ऐतिहासिक है और भारतीय टीम के लिए आत्ममंथन का समय। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन वर्ष 1509 में विजयनगर साम्राज्य के सम्राट के रूप में महाराज कृष्णदेव राय की ताजपोशी हुई थी। आज ही के दिन वर्ष 1908 में शास्त्रीय संगीत गायिका सिद्धेश्वरी देवी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। आज ही के दिन वर्ष 1994 में मीराबाई चानू का जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध भारतीय वेट लिफ्टर हैं। आज ही के दिन वर्ष 1955 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा राजीव महर्षि का जन्म हुआ था। BSNL ने पूरे देश में लगाए 15,000 नए 4G टावर्स। भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी पूरे देश में लोगों को कम कीमत में सुपर फास्ट कनेक्टिविटी देने के लिए 4G टावर्स लगा रहा है। इसी दौरान BSNL ने भारत के 15,000 से भी ज़्यादा मोबाइल साइट्स पर 4G टावर लगवाए हैं। BSNL ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल से दी है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत देश में 15,000 नए 4G साइट्स बनवाए हैं। भारतीय सेना के बांग्लादेश में प्रवेश को लेकर वायरल हो रहा भ्रामक वीडियो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना बांग्लादेश में जा रही है ताकि वहां के प्रोटेस्ट को दबाया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। ये वीडियो वर्ष 2022 का है और इसका बांग्लादेश के प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की वायरल हो रही भ्रामक खबरों पर विश्वास करने से बचें, ये दावा पूरी तरह से गलत है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? ऑप्शन ए है उपेंद्र कुशवाहा, ऑप्शन बी है उदित राज, ऑप्शन सी है दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन डी है वसिंका परमार। इसका सही आंसर है दलजीत सिंह चौधरी। हाल ही में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण काम कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी मोरीगांव, ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही आंसर मोरीगांव है। हाल ही में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहां आयोजित हुई है? ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है कोलंबो। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। इसका सही आंसर होगा 7। बिहार एक वर्ष में कितने शोरे का उत्पादन करता है? ऑप्शन बी है 20,000 टन, ऑप्शन बी है 25,000 टन, ऑप्शन सी है 30,000 टन, ऑप्शन डी है 33,000 टन। इसका सही आंसर होगा 20,000 टन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है पंकज कुमार दास, अतीक खान, बम कुमार यादव, बाबूलाल मरांडी, अंजीत कुमार शर्मा, विनय कुमार, मंजीत कुमार, भरत प्रसाद, सपना कुमारी, छोटे लाल दास, नौशाद रजा, कुंदन कुमार, मोहम्मद सलीम, अनिल पांडे, परशुराम सिंह, सुमन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, किसी को मैसेज भेजने के लिए आप किस प्लेटफॉर्म का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।